हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से चेंज होता है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें से बनते हैं। आरहेनियस इक्वेशन जो है वो यहाँ से अपन को देखनी है क्या होती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें एक जनरल बात, एक जनरल थिंग अगर अपन देखें जनरल, ठीक है, तो वो ये है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मैक्सिमम, वी कैन से मैक्सिमम, जनरली मैक्सिमम रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जनरली ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं उनका रेट इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं उनका रेट इंक्रीज हो जाता है मैक्सिमम रिएक्शंस का। कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं, उनकी बात अपन को यहाँ पर नहीं करनी है, कि जिनका रेट डिक्रीज भी हो जाए या कोई इफेक्ट ना पड़े टेम्परेचर से, क्लियर है? नहीं, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस के साथ क्या हो रहा है उसकी स्टडी अपन यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अपन ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों, तो उसके पीछे की जो वजह है, ठीक है ना, वो एक्चुअली में आरहेनियस ने बताई थी 100% क्या रीजन है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर दो तरीके का क्राइटेरिया देखेंगे। एक तो देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, ठीक, अप्रॉक्सीमेट, इसमें देखो दो चीजें देखेंगे अपन। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट, रेट पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखेंगे, लेकिन कैसी? अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट जो डिपेंडेंसी होती है रेट पर टेम्परेचर की, वो अपन देखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे एग्जैक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट। ये दो चीज़ें अपन को देखेंगे, पहले अप्रॉक्सीमेट देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट, ठीक है, यहाँ हम देखो लिखेंगे जनरली when we rise temperature of reaction by 10 degree centigrade, then rate becomes double to triple। जनरली देखा गया है कि जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कितना, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, दो गुना से लेके तीन गुना तक, डबल से लेके ट्रिपल तक हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसको अपन टेम्परेचर कोफिशियंट के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है? द रेशो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, द रेशो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एंड टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टी प्लस 10 एंड टी टेम्परेचर कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है इसका, देखो एक रिएक्शन है ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन ने दो बार करा है, एक बार कराया टी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर T1, इसी रिएक्शन को एक बार हमने कराया T1 प्लस 10, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है,
तो जब इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चलाया, तो सपोज करो जो रेट कांस्टेंट आ रहा है हमारा, रेट कांस्टेंट वो आ रहा है K1, और जब 10 डिग्री बढ़ा के चलाया तो रेट कांस्टेंट आएगा 3 × K1 या 2 × K1, यानी पहले के कंपैरिजन में रेट कांस्टेंट डबल या ट्रिपल हो जाता है। सपोज करते हैं ये आ रहा है 2 × K1, तो अपन को ये पता है कि जब रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अपन ने रेट लॉ में भी देखा है, रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ रेट कांस्टेंट K1 है, 10 डिग्री बढ़ा, रेट कांस्टेंट पहले का डबल हो गया, तो रेट भी डबल हो जाए। क्लियर है? रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 2 K1, और यहाँ रखेंगे K1, तो टेम्परेचर कोफिशियंट क्या आएगा, 2। तो टेम्परेचर कोफिशियंट जो होता है वो 2 और 3 आ सकता है, 2 और 3 के बीच में। नोट कर लो इसको। चलो, तो ये तो होगी अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट। इससे अपन को एक नई चीज पता चली है, वो है रेट का टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब एक कई एक दो थ्योरीज थी, ठीक है ना, उन्होंने ये पाया कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, डबल से ट्रिपल हो जाता है। उसको अपन ने बोल दिया अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर। एग्जैक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं पता थी ये चीज, मतलब रीजन क्या है इसका, भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से टेम्परेचर रेट डबल क्यों हो रहा है, इसका रीजन इसको नहीं पता, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। हाँ ठीक है, अपने मैक्सिमम रिएक्शंस में ऐसा देखा होता है, लेकिन इसका रीजन नहीं पता। साइंस में जब तक रीजन नहीं पता तो अपन को एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं मान सकते। आर्हेनियस ने वो रीजन बताया था। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करते हैं अपन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो रेट है रिएक्शन का वो एक्स है। अब अपन को 80 पर निकालना है कितना होगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू 2 है, ये गिवन है हमें। टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट डबल होगा, फिर 10 बढ़ाएंगे फिर से डबल होगा, फिर 10 बढ़ाएंगे फिर से डबल होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर इस तरह, और यहाँ पे लिख देते हैं रेट या रेट ऑफ रीच। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने लिखा 20 डिग्री, ठीक है, तो रेट कितना है एच। ओके, अब ऐसी 30 डिग्री तो रेट डबल हो जाएगा 2x, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। 40 डिग्री तो कितना हो जाएगा 4x। 50 डिग्री कितना हो जाएगा 8x। 60 डिग्री कितना हो जाएगा 16x। 70 डिग्री कितना हो जाएगा 32x। ओके, और जैसे 80 डिग्री आएगा तो 64x। तो आंसर क्या होगा, रेट आएगा हमारा पहले से 64 टाइम्स ज़्यादा, 64x। नोट कर लो, रेट बोल दो चाहे रेट कांस्टेंट बोल, रेट बोल दो चाहे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी 64 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगी पहले से। नोट करो, चल, तो ये है हमारा रेट कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट से क्या लेना देना। अब अपन देखते हैं एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर एग्जैक्ट डिपेंडेंसी क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह से एग्जैक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो देखिए। तो हम लिख देते हैं इट इज गिवन बाय आर्हेनियस ने इसको बताया था कि एग्जैक्टली किस तरह टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन से चेंज होता है।
एग्जैक्ट इक्वेशन बताई थी, टेम्परेचर कोफिशेंट वाली इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट है, इट इज गिवन बाय अर्हेनियस, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन द एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, और वी कैन से ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन की एग्जैक्ट डिपेंडेंसी बताती है अर्हेनियस इक्वेशन। क्या है ये, आप याद कर लो, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कई नाम है इसकी, पहला नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दूसरा है अर्हेनियस अर्हेनियस कांस्टेंट, एक और नाम देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इससे पहले लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कई नाम, तीन नाम है इसकी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए क्योंकि कोलिजन जो होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ, ठीक है, कितनी स्पीड से कोलिजन्स हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्लियर है। अच्छा, अगर अपन के वर्सेस टी यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे के लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर टी लेते हैं, तो कुछ टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी, यानी जो रेट कॉन्स्टेंट है वो इंक्रीज होगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, लीनियर नहीं आता, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा, एग्जैक्ट डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, इस इक्वेशन से आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इसलिए ग्राफ सीधा नहीं आएगा, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। अच्छा, ई क्या है यहाँ, ई है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, ठीक है, ई ए क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट, देखो गैस कांस्टेंट को यहां पर को लेना है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है न्यूमेरिकल्स में, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर क्या है हमारा, ये टी क्या है, टेम्परेचर, इसको आपको केल्विन में यूज करना, ये सारी वैल्यूज, नोट कर लो। चलो अब अपन ये देखते हैं कि अर्हेनियस थ्योरी का रिलेशन कोलिजन थ्योरी से, अर्हेनियस इक्वेशन जो है ये एक्चुअली में आई कहाँ से, ठीक है, वेयर इट कम्स फ्रॉम, इसके पीछे का बेस क्या है, इस तरह से इक्वेशन कैसे बना दी, लिखते लेते हैं अपन, रेट प्रोपोर्शनल टू के, और के है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, अर्हेनियस इक्वेशन लिख के यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके पीछे की डेप्थ देखें, ठीक है, तो ये बताता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओनली पॉसिबल बाय दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच गिव इफेक्टिव कोलिजन, मतलब ऐसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से इफेक्टिव कोलिजन्स उन्हीं से प्रोडक्ट बनता है, बस
कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करते हैं, उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम कोलिजन्स की बात करें तो कोलिजन्स तो 1 cm³ या 1 ml वॉल्यूम में ही 10^7 कोलिजन्स तक हो सकते हैं, यानी करोड़ों कोलिजन्स होती हैं 1 ml एरिया में। अगर ऐसे कोलिजन्स होने लग जाए और सभी कोलिजन्स से प्रोडक्ट बनने लग जाए, सारे के सारे कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट बनने लग जाए, तो कोई भी रिएक्शन इतनी स्पीड से होने लग जाए कि उसका रेट अपन स्टडी नहीं कर पाएंगे। जैसे आयनिक रिएक्शंस में होता है, बहुत ही स्पीड से रिएक्शन होती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सारी रिएक्शंस ऐसे होने लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन्स जो करते हैं उन्हीं से प्रोडक्ट बनता है और उन्हीं से रेट का लेना देना होता है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है ये भी देख लेते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स विच फॉलो टू इम्पॉर्टेंट विच फॉलो टू इम्पॉर्टेंट बैरियर्स और वी कैन से विच क्रॉस टू इम्पॉर्टेंट, मतलब जो दो इम्पॉर्टेंट बैरियर्स को क्रॉस कर देती है ऐसी कोलिजन्स। फर्स्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, राइट राइट ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन में टकराते वक्त रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन सही है तो कोलिजन इफेक्टिव होगी, नहीं है तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। एक तो राइट ओरिएंटेशन होना चाहिए और सेकंड अपन बात करेंगे क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी नाम का जो बैरियर है उसको क्रॉस करने चाहिए और उनका ओरिएंटेशन राइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें राइट ओरिएंटेशन में, ये हमारे पास ए ए ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल बी और बी है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगी, इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, सॉरी राइट ओरिएंटेशन नहीं है तो इसलिए ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। राइट ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, ये वाला ए और ये वाला बी तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, टकरा जाएंगे, लेकिन ये वाला बी और ये वाला ए नहीं टकरा जाएंगे। ठीक है, तो नो प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अगर ये मान लो इस तरह से आते हैं ए ए बी बी, ठीक है, तो भी ये इफेक्टिव नहीं होगी, नो प्रोडक्ट। ठीक है, नो प्रोडक्ट अभी नहीं लिखते हैं, अभी अपन सिर्फ राइट ओरिएंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाते हैं इस तरह से ए ए, ये इस तरह से आ जाता है, इसके जस्ट एग्जैक्ट सामने ये आ जाता है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, इसे बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन्स। ठीक है, और ये होगी इफेक्ट, ये होगा इसमें ओरिएंटेशन राइट है, इसमें रॉन्ग ओरिएंटेशन, इसमें रॉन्ग ओरिएंटेशन, इसमें राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, थर्ड वाले केस में ओरिएंटेशन, क्योंकि ए बी के साथ और ये वाला ए बी के, यानी दोनों ए और दोनों बी एक दूसरे से चिपक जाएंगे और रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे ओरिएंटेशन राइट है, लेकिन ओरिएंटेशन से ही काम नहीं चलेगा, ओरिएंटेशन तो राइट है, अब सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, राइट ओरिएंटेशन वाली कोलिजन। मतलब राइट ओरिएंटेशन वाली कोलिजन से मतलब क्या है, जैसे मान लो ये दोनों हाथ टकरा रहे हैं तो ये राइट ओरिएंटेशन नहीं है, ये राइट ओरिएंटेशन नहीं है, ये राइट ओरिएंटेशन नहीं है, और जैसी ताली बजेगी तो ये राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, नहीं एग्जैक्ट सही है एकदम, हेड को हेड ऑन कोलिजन, लेकिन हेड ऑन कोलिजन से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स, ये ए टू और बी टू के जो मॉलिक्यूल है, ये जब टकरा रहे हैं तो सही डायरेक्शन में टकराने चाहिए, उसके बाद टकराने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो इनके टकराने से वो इतनी होनी चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी को वो क्रॉस कर जाए, अगर इतनी नहीं है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो भी देख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए होती है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी
फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इफ वी कैन से टू रिक्वायर्ड, टू रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास ऑफ रिएक्टेंट, यहां लिख लो, इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अगर ये नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, जैसे इसके लिए अपन ग्राफ से अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से. देखिए यहाँ पर अपन ले लेंगे एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं प्रोग्रेस. दिख रहा है, यहाँ ले लेते हैं प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन की प्रोग्रेस. तो देखो इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है, देखो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिएक्टेंट की है, यहाँ पर रिएक्टेंट की है, इसे अपन बोल रहे हैं ER. यहाँ प्रोडक्ट बन गया, इसको बोल नहीं पीछे, रिएक्टेंट डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के लिए उनको क्रॉस करना पड़ेगा एनर्जी बैरियर. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी, भाई रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है ही, अब और कितनी चाहिए, ठीक है, कितनी चाहिए उनको, इतनी चाहिए, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो एनर्जी है ये, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा, इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है तो ये इस पॉइंट को टच कर देते हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट. क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मतलब ऐसी स्टेट जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है, मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पर, मैक्सिमा इस ग्राफ का ही, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है, और यहाँ से देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी तो होती है, ठीक है ना, लेकिन उससे वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते. सपोज करो उनके पास 10 जूल एनर्जी है और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 50 जूल है, तो अभी उनको 40 जूल एनर्जी और चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की 50 है ना, तो 10 तो उनके पास है ही ऑलरेडी, 40 चाहिए, तो 40 जूल क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर है, जब तक जिन मॉलिक्यूल्स के पास, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हेड ऑन कोलिजन करेंगे और उस कोलिजन से 40 जूल एनर्जी है जो वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, 10 जूल तो पहले से ही है, तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगी और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते हैं. और ऐसे बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसा कर पाते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. एक होती है हमारी यहाँ से लेके टोटल एनर्जी यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. ये ध्यान रखना, यहाँ से अपन एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी. अच्छा, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी. अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, और एक्सोथर्मिक है तो रिलीज की है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी. ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है तब जाके प्रोडक्ट बनता है, और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ऐसी टक्कर होनी चाहिए जो राइट डायरेक्शन में हो और उस टक्कर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो कि एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर जाए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का, तब जाके इफेक्टिव कोलिजन होती है. और अगर इफेक्टिव कोलिजन हो रही है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, रेट जो है वो बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी. क्लियर है. अच्छा, अब एक ग्राफ हो रहा है अपन, इस ये जो ग्राफ हमारा है इसको अपन एक दूसरे तरह से पढ़ते हैं. देखो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ग्राफ अपन पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ को मैं नहीं मिटाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगा रहेगा. बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इम्पोर्टेंट ग्राफ. ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म. हमारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है उनका फ्रैक्शन हम इस एक्सिस पे ले लेते हैं. देखो देखो इस तरह से यहाँ हम क्या ले लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, और यहाँ ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी. यहाँ काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर लिए, ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा, देखो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा.
ठीक है, टी वन टेम्परेचर पर ये ग्राफ हमें मिला है किसी रिएक्शन के लिए। इस ग्राफ की स्टडी करते हैं, देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो उनका फ्रैक्शन भी जीरो है। मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, देखो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक कि वो इतने हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सपोज करो वो 0.1 हो गए। मतलब अगर 100 की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में, तो एक की बात करेंगे तो 0.1, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करो वो 0.2 है, इतनी है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। और मैक्सिमम मॉलिक्यूल, देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है। इट इज़ नॉट मैक्सिमम एनर्जी, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल रखते हैं, या मैक्सिमम मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी। सपोज करो ये 15 जूल, तो 15 जूल वो एनर्जी होगी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास 15 जूल एनर्जी होती है, ठीक है। ये जो बैरियर है इसे बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट सपोज करो ये है 40 जूल, तो एक बात बताओ जिन मॉलिक्यूल्स के पास 40 जूल से कम एनर्जी है, जिन मॉलिक्यूल्स के पास 40 जूल से कम एनर्जी है वो कोई भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, केवल वही बना पाएंगे जिन पास 40 जूल या उससे ज़्यादा है। तो उसका फ्रैक्शन सिर्फ कितना है, देखो इतना, इतने से मॉलिक्यूल इतने यहाँ से लेके यहाँ तक इतने मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे हैं जिनका फ्रैक्शन ये है, देखो ठीक है। तो ये 40 जूल से ज़्यादा एनर्जी, 40 जूल या 40 जूल से ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ये है, यानी ये मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे। दूसरे तरीके से बना दिए अपन ने, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव, एक्टिव फ्रैक्शन है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, राइट ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन होता है इनके पास, और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी भी होती हैव ई ए। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास, जिनका ओरिएंटेशन सही होता है और जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी भी होती है, तो हम लिखेंगे हैव ई ए। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, अगर सपोज करो हम सेम रिएक्शन का ग्राफ टी वन पर ना बना के, सपोज करो टी वन है 25 डिग्री, टी टू पर बनाते हैं, मतलब अपन 10 डिग्री बढ़ा देते हैं 35 डिग्री, तो अपन ने देखा था 10 डिग्री बढ़ाने से रेट डबल हो जाता है, रेट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है उसको ऐसे समझो, देखो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब इस तरीके का ग्राफ आने लगे इस तरीके, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये और इंक्रीज हो जाता है, और एरिया बढ़ गया ना, तो दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया अपने, तो ये एरिया जो है एक्टिव मॉलिक्यूल्स का वो बड़ा हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। क्लियर हो रहा ना, एक्टिवेशन एनर्जी भाई कुछ मॉलिक्यूल्स जो मैक्सिमम, देखो टी वन वाले ग्राफ में इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी 15 जूल थी, अब वो कम हो गए तो बाकी कहाँ गए, एक्टिव में कन्वर्ट हो गए ना, एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ गए यहाँ पर। एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट बना देते हैं, जिनके पास राइट ओरिएंटेशन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है, उससे ज़्यादा होती है। तो ये टी टू ग्राफ, टी टू टेम्परेचर पर ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है, टी वन पर भी मिलता है और टी टू पर भी मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ से जो ग्राफ से जो कहानी समझ आ रही है वो ये आ रही है हमको, तो नोट कर ही लिया आपने, ठीक है। ग्राफ से जो कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, एक चीज़ बता दो, एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो पता लग गया अपन को क्या होते हैं, जिनका ओरिएंटेशन राइट होता है, ठीक है, और जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है, उनका जो फ्रैक्शन होता है अपन कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, उनमें से एक्टिव कितने हैं उनकी बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल होता है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस पर डिपेंड करता है। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसके प्रोपोर्शनल होता है इस टर्म, ये आर्हेनियस ने फाइंड किया था,
ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, रेट। भाई जितना ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट कॉन्स्टेंट के, तो के प्रोपोर्शनल हो गया ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से इस तरह आई आर इन इस इक्वेशन, इस कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, ए आ जाए ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ग्राफ बनाओगे, मैंने बना के दिखाया था यहाँ के और यहाँ टी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता जा रहा, उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट होने लगता इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे आती है हमारी अरहेनियस इक्वेशन। चलो तो अब अपन देखते हैं अरहेनियस इक्वेशन को अपन लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्लियर है। लॉग फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन, देखो दो चीजें ध्यान रखो, ln जहां भी लिखा होता है उसका मतलब log बेस e, ठीक है। और log बेस e या ln जो होता है ये एक ही चीज होगी, इक्वल होगी, ये इक्वल होता है 2.303 log बेस 10। ये दो चीजें आपको ध्यान रखो, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको बता देता हूँ log फॉर्म में अरहेनियस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। देखो अरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज अरहेनियस इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तरफ ले लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो आप एक काम करो एल एन ले लो, टेक एल एन, तो अपन लेंगे एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस पूरे टर्म का एल एन लेंगे, ठीक है। तो अपन लेंगे एल एन के इक्वल टू, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है ए और ई, तो पहले ए क्या लेंगे, एल एन ए इंटू एल एन बी है, एल एन ए इंटू बी है, तो उसको क्या लिखेंगे, एल एन ए प्लस एल एन बी, तो एल एन ए, ठीक है, एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई एल एन ए इंटू बी क्या होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी, तो वही तो लिखा है, एल एन ए इंटू ई की पावर दिस, ये क्या होगा, एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर दिस, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, एल एन के इक्वल टू एल एन ए, ठीक, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी आ गया जाएगा, माइनस ई ए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे अपन माइनस ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ रह जाएगा एल एन ई, क्या रह जाएगा, एल एन ई, ठीक है। एल एन ई क्या होता है, वन, तो ये बच जाएगा हमारे पास एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अच्छा तो हम ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी प्लस एल एन ए, ऐसे लिख सकते हैं। ग्राफ देखो, वाई इक्वल टू एम एच प्लस सी, मतलब एल एन के और वन अपॉन टी के बीच में एक ग्राफ बन सकता है। देखो यहाँ एल एन के ले लें और यहाँ क्या ले लें, वन अपॉन टी, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव है, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। और जो एंगल होगा ये स्लोप, ये लेंगे, ये टेन थीटा है। देखो स्लोप को सॉल्व करते वक्त हम ये वाला एंगल नहीं लेते, ये वाला एंगल, ये वाला लेते हैं, मतलब वो एंगल लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, भाई ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव हो गया, ये कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो हम ये वाला एंगल लेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ये नेगेटिव हो गया इसलिए ये वाला नहीं लेंगे, स्लोप को सॉल्व करते हो, हमेशा ध्यान रखने वाली बात। और अगर इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी ग्राफ है। अब एक बात बताओ मुझे, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है, लेकिन वन अपॉन टी क्या है, टेम्परेचर का उल्टा, तो इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। अगर वन अपॉन टी की वैल्यू अपन बढ़ा रहे हैं तो इसके मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटा रहे हैं तो के घटेगा, तो वही चीज आ रही है यहाँ पर, क्लियर, लॉग फॉर्म में, लेकिन क्लियर है नहीं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, देखो ये है हमारा इंटरसेप्ट, यानी ये है एल एन ए यहाँ से और यहाँ तक का,
यानी ये पॉइंट, ये एल एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच एक्सिस वन अपॉन टी है, स्लोप कैसा है ग्राफ का, नेगेटिव, टेन थीटा पर माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल। क्लियर है, क्लियर है नहीं है? अच्छा, अगर अपन को स्लोप दे दें, टेन थीटा की वैल्यू दे दें, तो अपन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अपन क्या करेंगे, अलग 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 टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्प किसी रिएक्शन को लेंगे, उसके अलग अलग टेम्परेचर पर के लिखेंगे, उसके लिए अलग अलग के वर्सेस वन अपॉन टी ए वाला ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ से फिर अपन स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंगल देखेंगे, उस एंगल को यहाँ रखेंगे टेन थीटा पर, और अपन आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को अपन यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है ये वाला ग्राफ, कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलो, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो देखो, एल एन जो होता है वो अभी मैंने बताया था आपको 2.303 लॉग होता है, बिकॉज वी नो दैट एल एन क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10 होता है, होता है नहीं होता? तो अपन यहाँ पे ये इस इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं, 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 के इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है भाई, ये इसके नीचे चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो y इक्वल टू सी सी माइनस एम एक्स, ऐसे है, प्लस एम एक्स लिखिए, यहाँ पर माइनस है तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो m क्या है यहाँ पे, स्लोप, ठीक है, और x क्या है, वही वन अपॉन टी लिख लेंगे ना इसको, x को, ठीक है। तो फिर से ग्राफ बना सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, लॉग बेस 10 के, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, वन अपॉन टी। ग्राफ इस तरीके का आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल लेना है स्लोप में, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, लॉग बेस 10 ए, ठीक है, और जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। सेम ग्राफ है, बस अपन ने लॉग को ओपन कर दिया। क्लियर, चलो, तो इस तरह से ये अरहेनियस इक्वेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ्स हैं। तो अरहेनियस इक्वेशन नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एग्जैक्टली रेट किस तरह से इंक्रीज होता है उसको ये बताती है अरहेनियस इक्वेशन। क्लियर है नहीं? अच्छा, अब अपन ये बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअली में ये कौन सी रिएक्शंस पर लागू नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्शंस तो होंगे केमिस्ट्री में। तो इफ यू टॉक अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ अरहेनियस इक्वेशन, भाई अरहेनियस इक्वेशन क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, दैट मीन्स रेट भी बढ़ेगा। अब इस चीज़ के मतलब कैसी कौन सी रिएक्शंस है जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्टेंट घट जाता है, तो हम लिख देते हैं एक्सेप्शंस। अरहेनियस इक्वेशन, एक्सेप्शन ऑफ अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन के एक्सेप्शन क्या है, तो देखो फर्स्ट बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे अगर अपन बैक्टीरिया के डिकम्पोज होने का रेट यहाँ ले लें, ठीक है, और यहाँ पर ले लें अपन रेट या रेट कांस्टेंट, यहाँ पर ले लें टेम्परेचर, तो होता है क्या, स्टार्टिंग में तो बैक्टीरियल डिकम्पोज मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, मतलब तेजी से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आता है उसके बाद बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो उल्टा, मतलब वो बढ़ने लगता है टेम्परेचर बढ़ा, मतलब उसकी जो रेट है वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब बैक्टीरिया खत्म होना बंद हो जाता है, क्यों, हाई टेम्परेचर पर वो अपने चारों तरफ एक ऐसी सेल वॉल बना लेता है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस जिसे अपन रेजिस्टेंट सेल वॉल बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसके चारों तरफ उसकी जो सेल होती है जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है हाई टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से वो खत्म होना बंद हो जाता है और रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है।
इस तरीके की चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर बढ़ा, रेट पहले बढ़ा फिर घटा। अच्छा इस पॉइंट को जहाँ पर टेम्परेचर का उल्टा प्रभाव आ रहा है इसको TI बोलते हैं, इन्वर्सन टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, मतलब NO का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है NO2 में, NO का NO2 में जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो नेगेटिव रेट आता है। ये टेम्परेचर कोफिशेंट जो होता है ना ये नेगेटिव आता है, टेम्परेचर कोफिशेंट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेट घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रेट ले लेते हैं और यहाँ पर अपन टेम्परेचर ले लेते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक हमारा एक रिएक्शन हो रहा है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन रिएक्शन। इनमें भी देखो इस तरह से होती है, इधर अपन रेट ले ले, इधर टेम्परेचर ले। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, बड़ा घटा, बड़ा स्थिर हुआ, इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वेरिएबल है नहीं, पहले घटा फिर स्टेबल हुआ फिर बढ़ गया। तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें अरहेनियस इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि अरहेनियस इक्वेशन केवल तभी फॉलो होगी जब रेट और टेम्परेचर इस तरीके का रिलेशन दे, बढ़ता हुआ टेम्परेचर बढ़ाए रेट बढ़े, तो इन तीन टाइप की रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलो तो अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, देखो एक दो, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें और बचेगा और वो हमारा होगा कौन सा, वो हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसमें अपन कोलिजन थ्योरी और मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी को पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में। कोलिजन थ्योरी एंड मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी को अपन पढ़ेंगे। देखो अरहेनियस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो लॉग फॉर्म हमने देखा है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, मतलब लॉग बेस 10 हो गया और 2.303 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या करता है वो, जैसे सपोज करो आपको ऐसे बोल दे कि द रेट कांस्टेंट कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बन गया सी, इसका रेट कांस्टेंट निकाल लें और आपको एक इक्वेशन दी हुई है इस रिएक्शन, वो इक्वेशन देखो ये है लॉग 2.3010, ये दिया हुआ है लॉग 2.3010 इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है ये उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में अपन अरहेनियस इक्वेशन को लिखते हैं लॉग में, इस फॉर्मेट में, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम है एग्जैक्ट। क्या बचेगा, ये बचेगा लॉग के, तो हम लिखेंगे लॉग के इक्वल टू है हमारे पास लॉग 2.3010। क्लियर? ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी एंटी लॉग, हम इस के की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो आएगी एंटी लॉग 2.3010। हम 2.3010 का एंटी लॉग ले लें, और एंटी लॉग लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, एंटी लॉग का सॉल्यूशन ऐसा होता है डेसिमल पॉइंट, एंटी लॉग में जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें डेसिमल जो होता है डेसिमल के इधर लेफ्ट वाला जो नंबर होता है उसको 10 की पावर में ले जाते हैं, तो के इक्वल टू हो गया 10 की पावर 2, और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है जैसे 3010 है, ठीक है, तो अपन जानते हैं लॉग जो हमारा 2 होता है वो होता है 0.3010,
तो एंटी लॉग पॉइंट 3010 क्या हो, उल्टा 2 हो जाएगा भाई। लॉग 2030 पॉइंट 3010 है, तो पॉइंट 3010 का एंटी लॉग 2 है, उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट 3010 का एंटी लॉग कितना हो गया 2, तो आंसर आ जाए 2 × 10^2, 2 × भाई इसका एंटी लॉग पॉइंट 3010 का एंटी लॉग 2 हो गया, और 2 का एंटी लॉग क्या हो गया 10^2। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और अपन को डिराइव करना है, और वो है T1 और T2 टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो EA1 और EA2 ही। देखो, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T1 एंड T2 टेम्परेचर ये निकाल रहे हैं। रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T1 एंड T2 टेम्परेचर, मतलब एक रिएक्शन है T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। समझो, समझना इस चीज़ को, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी वही रहती है, जितना बैरियर है वही क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ कैटलिस्ट चेंज कर सकता है। ठीक है, वो कम ज़्यादा कर सकता है, मैंने बताया भी था आपको, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। अच्छा, तो अब अपन एक काम करते हैं, अरहेनियस इक्वेशन अपन को पता है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, 2.30। तो अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन के लिए अरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग के वन, T1 टेम्परेचर पर लॉग के वन इक्वल टू लॉग ए, ये कांस्टेंट है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। क्लियर। अच्छा, इस कंडीशन के लिए लिख लेते हैं लॉग के टू इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, इक्वेशन वन, और ये आ जाएगी इक्वेशन टू। अब क्या करते हैं, 2 − 1 करते हैं, दो में से एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो लॉग के टू माइनस लॉग के वन, एल एच एस को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। अपन को माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इस टर्म को, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। क्लियर है। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग के टू अपॉन के वन, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग के टू अपॉन के वन हो गया। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। ऐसे रीअरेंज कर दो, इस टर्म को इधर लिख दो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ठीक है, कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ रह जाएगा 1/T1 − 1/T2 लॉग के टू अपॉन के वन। यह आ जाएगा, इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है, लॉग के टू, देखो इधर लिख देता हूँ मैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, एलसीएम ले लेंगे T1 T2, और ये हो जाएगा T2 − T1। तो ये हो गया हमारा, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर अपन को अगर अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए हो, सपोज करो हमको K2 की वैल्यू पता हो, K1 की वैल्यू पता हो, ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखे हो, आर भी पता, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है।